मुजफ्फरनगर में दिलचस्प हुई चौधराहट की जंग, जानिए क्या है मुद्दे और क्या कहते हैं समीकरण। आगे बढ़ने से पहले अतीत के पन्ने भी पलट लेते हैं। मिठास के शहर मुजफ्फरनगर को 2013 में किसी की नजर लगी और परिणाम हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा। इस दंगे को देश के राजनीतिक परिवर्तन का कारण भी कहा जाता है। यहाँ की सिसौली यानी भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर लंबे समय से किसान आंदोलन के केंद्र में है। विधानसभा चुनाव सपा रालोद ने मिलकर लड़ा था, अब रालोद भाजपा के साथ है। इस बार मुख्य मुकाबला दोबार से भाजपा के सांसद डॉक्टर संजीव वालियान और सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के बीच दिखता है। बसपा प्रत्याशी भी बराबर की ताल ठोकने का कर रहे हैं दावा। बसपा के दारा सिंह प्रजापति भी बराबर की ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन तीनों बड़े दल में से किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। यहाँ 2.5 लाख के करीब वंचित समाज, 2.25 लाख जाट, लगभग 80,000 वैश्य और करीब इतने ही ठाकुर हैं। ओबीसी के कश्यप प्रजापति सैनी बिरादरी भी निर्णायक भूमिका निभाती है। ब्राह्मण त्यागी समाज को साधने में पक्ष विपक्ष बराबर कर जोर लगाते हैं। पिछले चुनाव में सपा बसपा और रालोद गठबंधन के अजीत चौधरी की भाजपा के संजीव बालियान से कांटे की टक्कर हुई थी। अजीत चौधरी लगभग 6,500 मतों से हारे थे। संजीव बालियान भाजपा से ही तीसरी बार मैदान में, 2 बार के सांसद और दोनों ही बार केंद्र में मंत्री रह चुके संजीव भाजपा से तीसरी बार मैदान में है। इस बार सपा बसपा के अलग अलग चुनाव लड़ने और रालोद के साथ आ जाने को भाजपा अनुकूल मान रही है, लेकिन ठाकुर बिरादरी का विरोध व कृषि आंदोलन के बाद से टिकैत परिवार के विपक्षी पाले में खड़ा होना चिंता का विषय बना है। वैसे भाजपा को जाट और ओबीसी का पूरा भरोसा है। रूठों को मना लेने का दावा और दलित समाज का साथ मिलने का वे गणित लगाए बैठे हैं। सपा कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हरेंद्र मलिक पुराने नेता हैं। 1985 में खतौली और 1989 से 1996 बगरा विधानसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने वाले हरेंद्र 2002 से 2008 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में इनके पुत्र पंकज मलिक चरथावल से विधायक हैं। हरेंद्र पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर कैराना से पंजे के सारे लड़े थे, लेकिन उन्हें महज 70,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। मलिक कैंप का मानना है मुस्लिम जाट त्यागी बिरादरी का पूरा साथ मिलेगा, नाराज ठाकुर उनसे जुड़ेगा, बाकी ओबीसी भी उन्हें ही वोट करेंगे। वहीं मूल रूप से मेरठ में सक्रिय रहे बसपा उम्मीदवार द्वारा सिंह प्रजापति पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं।